हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चाट की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की चटपटी चाट। बहुत ही माउथ वाटरिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसको आप कभी भी इवनिंग स्नैक के फॉर्म में बना सकते हैं, लंच डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए आलू, लगभग 5 से 6 उबले हुए आलू ले लें। इसको आप छील लें और छीलने के बाद में इसको हमें छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो इस तरह से सबसे पहले लंबाई में इसको 4 पीसेस में कट कर लें और उसके बाद में टुकड़ों में इसको इस तरह से काट लें। तो सारे आलूओं को यहाँ पर मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब हमें चाहिए होगी कोई कढ़ाई या फिर पैन। पैन को हीट कर लें और इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। ऑयल को हीट कर लें अच्छे से और इसमें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा ऐड करेंगे। क्यूमिन सीड्स को भी अच्छे से सिजल होने देना है और उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिलीज। लगभग 2 हरी मिर्च मैंने काट कर ऐड की है और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने बाद के लिए बचा ली है, बाद में ऐड करूंगी मैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। फ्लेम हमारी यहाँ पर मीडियम हाई है और मीडियम हाई फ्लेम पर अदरक हरी मिर्च को हम भून लेंगे। साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज की प्याज को बारीक काट कर ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमें भूनना है, जब इसमें हल्का कलर आ जाएगा उसके बाद में हम इसमें बाकी की चीजें मिलाएंगे। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के भी आप इस आलू चाट को बना सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए यहाँ पर प्याज भून चुकी है, बस हमें इसको इतना ही भूनना है, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर काट कर। तो 2 टमाटर मैंने लिए, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया और वो मैंने ऐड कर दिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फटाफट से हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए, जल्दी से कुक हो जाए। तो यहां पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूं। मिक्स करेंगे और अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम करके कवर कर देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि जो टमाटर है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मिक्स किया मैंने। और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही इसमें 1/2 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। सारे स्पाइसेस को भी इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकेंड भूनेंगे और बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये जो हमारा मसाला है ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने ढक दिया था 1 मिनट के लिए और ढकने के बाद में गैस को मैंने ऑफ कर दिया। मसाला बनकर रेडी हो चुका है, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको अब हम डालेंगे आलू में जो हमने काट कर रखे थे। तो मैंने आलू को डाल लिया है 1 बड़े से बोल में और जो अभी हमने मसाला बनाकर रेडी किया है उसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है और उसको हम डाल देंगे इस तरह से आलू के ऊपर और अच्छे से मिला लेंगे। तो इस मसाले को हम अच्छे से आलू के ऊपर कोट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें कुछ चीजें और मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत डिफरेंट तरीके की आलू चाट की रेसिपी है, इसको आप बनाकर एक बार जरूर देखिएगा। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी चटनी। ये हरे धनिए पुदीने की चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने हाल ही में आपके साथ शेयर की है। तो इसको हम चाट में यूज करेंगे, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी चटनी का। इसके साथ ही हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर रहे हैं, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको हरी चटनी और इमली की चटनी दोनों की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में दे दूंगी, वहां क्लिक करके आप देख पाएंगे। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर भी ऐड किया है और थोड़े से अनार के दाने अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, देखने खाने दोनों में अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है, फ्रेश हरा धनिया देखने में भी अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी लगती है इसकी और साथ ही खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है और अब बस इसमें हम थोड़ी सी भुजिया डालेंगे। आप बेसन की भुजिया, आलू की भुजिया डाल सकते हैं, जो भी आपके पास दालमोठ हो, कोई भी आपके पास नमकीन हो, जो भी पैकेट आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए और बस ये हमारी जो चाट है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बहुत सारे इसमें फ्लेवर्स हैं, हरे धनिए की चटनी का फ्लेवर है, इमली की खट्टी मीठी चटनी का फ्लेवर है, अनार का फ्लेवर है, चाट मसाले का, नमक का, और भी बहुत सारे इसमें फ्लेवर्स हैं। और इस चाट को अगर आप खाएंगे तो अभी से बोलते बोलते ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मैं तो जा रही हूँ इसको एंजॉय करने। फटाफट से इसको बाजार जैसा जो दोना होता है उसमें ही सर्व करते हैं इसको, क्योंकि इसका असली मजा इसकी सर्विंग में भी है।
चाट भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसके साथ ही जब इसको हम सर्व करते हैं तो तरीका भी इसका वही होना चाहिए जैसे कि हम ठेले पर खाते हैं। तो ठेले जैसी चाट है तो ठेले जैसा इसका देखने में भी होना चाहिए ये, तो लुक्स में भी बिल्कुल वैसी ही है। इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसी लगे। तो मैंने इस पर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी नमकीन डालेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी भी वापस से डालेंगे। इस पर हम थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस पर डालें। अगर आपके पास इन केस हरी चटनी भी नहीं है और इमली की चटनी भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस पर सिंपल टोमेटो केचप डाल के यूज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से चटनी डाल लें। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही माउथ वाटरिंग चाट है। इसको आप अपने घर में बनाकर जरूर देखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए बहुत ही टेस्टी चाट लग रही है। इसको नमकीन से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं और इसको झटपट से आप कभी भी शाम को हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च ना ऐड करें, लाल मिर्च भी ना डालें, और उनको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तब भी आप झटपट से उनको ये बनाकर दे सकते हैं, सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। साथ ही ये जो आलू की चाट है इस पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है लास्ट में, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इस चाट को ब्रेड के अंदर रखकर भी सैंडविच के फॉर्म में बनाकर खा सकते हैं, तब भी बहुत डिलीशियस लगेगी। कैसे भी इसको खाइए, चाट के फॉर्म में खाइए, सैंडविच के फॉर्म में खाइए, बहरहाल बहुत टेस्टी है। तो मैं तो जा रही हूँ इसको एंजॉय करने, आप भी इसको एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।